हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, शंकरा नेत्रालय फाउंडर विट्रियो रेंट, ये क्या है भाई, रेटिनल, विट्रियो रेटिनल सर्जन बद्रीनाथ पासेस अवे एट 83। तो ये जो थे 83 इयर्स थे, ये किसके फाउंडर थे? शंकर नेत्रालय के। नेत्रालय आँख से रिलेटेड है और रेटिनल, विट्रियो रेटिनल सर्जन थे ये, और 83 इयर्स में इनकी डेथ होती है। एस एस बद्रीनाथ, 83, फाउंडर ऑफ द शंकर नेत्रालय एंड एमिनेंट वेट्रियो रेटिनल सर्जन, पास्ट अवे ऑन ट्यूजडे। ही हैड बीन आइलिंग फॉर अ वाइल। पद्मश्री इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, पद्म भूषण इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अवार्डी डॉक्टर बद्रीनाथ कंप्लीटेड हिज MBBS फ्रॉम द मद्रास मेडिकल कॉलेज इन 1962। भाई साहब, ये 1962 में इनकी मेडिकल कंप्लीट हो चुकी थी। आप देख रहे हो ये कितने मतलब पढ़े लिखे हैं। एंडेड हिज ग्रेजुएट स्टडीज इन ऑफ्थाल्मोलॉजी। भाई इनकी डिग्री, भाई नाम नहीं लिया जा रहा है, फ्रॉम द US इन 1978। तो ये US से भी पढ़ के आए हैं। डॉक्टर बद्रीनाथ फाउंडेड शंकरा नेत्रालय एज अ यूनिट ऑफ मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पोस्टेड हिज कंडोलेंस ऑन एक्स, हिज कंट्रीब्यूशन टू आई केयर एंड हिज रिलेंटलेस सर्विस टू सोसाइटी हैव लेफ्ट एन इनडिनाइबल मार्क। हिज वर्क विल कंटिन्यू टू इंस्पायर जनरेशन। तो अब देखिए, इस आर्टिकल में सबसे पहला चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, एग्जाम में आ जाएगा, लोग मुंह बना लेंगे, ये क्या पूछ दिया। पद्मश्री किसको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? पद्म भूषण किसको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? और ये दोनों चीज किसको मिल चुका है? बद्रीनाथ जी को, ठीक है, बद्रीनाथ जी को। इनका क्या है? शंकरा नेत्रालय, ठीक है। इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, 82 इयर्स के, 83 इयर्स के थे। 1962 में इन्होंने MBBS कंप्लीट कर लिया था। 1962 में इन्होंने MBBS कंप्लीट कर लिया था। कितनी बड़ी बात है, कितनों के तो हमारे हमारे जनरेशन में से कितनों के फादर की एज ने, जो उनका डेट ऑफ बर्थ होगा 1962 के बाद हुआ रहेगा, तो आप इनका नॉलेज आप समझ सकते हैं। और मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन इन्होंने यूनिट फाइंड किया था, शंकरा नेत्रालय। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस आर्टिकल में। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम।